13 का सम्स इतना इजी है, ये पास कोर्स में आने लायक है, ठीक है। तो आइए हम लोग डायरेक्ट सम्स को देखते हैं, और एक बार वापस आपको बता दें, जो माथुर सर क्लासेस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करिए, एंड साथ ही साथ अपने फ्रेंड को भी जरूर शेयर कीजिए। 1 2 3 यानी सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं बोलिए, हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या दिया हुआ है, उसको 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 3 लिखेंगे। एक नंबर में हम लोग किसको लिखते हैं बोलिए, वर्किंग कैपिटल के लिए 1 लगाते हैं, यानी करेंट असेट्स एंड करेंट लायबिलिटी। 2 एडजस्टेड पीएल में जो गुडविल है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, इसके लिए। और 3 नंबर में वही फंड्स फ्लो में जो जाता है उसके अंदर कैपिटल आते हैं, इक्विटी प्रेफरेंस, लॉन्ग टर्म लोन, डिवेंचर एंड असेट्स। तो पहले हम लोग 1 2 3 इसमें यूज करेंगे, फिर आगे सवाल को बढ़ाएंगे। चलो, शेयर होल्डर फंड कितना नंबर, जल्दी बोलो, 3 नंबर। रिजर्व एंड सरप्लस, अच्छा, नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, 3 नंबर। ये देखिए डिवेंचर, एंड करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल है, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल, तो दोनों जोड़ के हम लोग एक साथ लिख देंगे, और ये 1 नंबर में जाएगा। और जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ये आप देख रहे हैं कि इसके लिए तो हम लोग अलग से बनाते हैं, एडजस्टेड पीएल में जाएगा, तो कितना नंबर होगा, 2 नंबर। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इधर दिया हुआ है, इसको 2 तरह से कर सकते हैं, डेटर के साथ माइनस कर सकते हैं, तो वहां नहीं माइनस करके हम लोग लेस में लिख देंगे, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, पीबीडीटी, प्रोविजन फॉर बैड डेट, डेटर के अगेंस्ट में होता है, जो ऊपर में डेटर दिया हुआ रहेगा अभी नीचे में करंट असेट्स में, उसमें से उतना प्रोविजन हो गया, प्रोविजन होने से क्या होगा, माइनस करते हैं हम लोग डेटर में से, समझेंगे बात, जो हमारा डेटर्स होता है उसमें से हम लोग प्रोविजन पीबीडीटी क्या करते हैं, तो ये नेट डेटर हुआ ना, तो अभी आपको लायबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये करंट लायबिलिटी मान लेते हैं, सीधा माइनस कर देंगे, नहीं तो हमको डेटर से माइनस करके लिखना पड़ेगा, बात तो बराबर पड़ेगा ना, माइनस तो आप कहीं ना कहीं कर रहे हैं, ओके। एसेट साइड में आ जाओ, फिक्स एसेट्स में टेंजिबल है, ठीक है, टेंजिबल में लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी, ये कहां जाएगा बोलिए, 3 नंबर में, बट वहीं पर गुडविल है, कितना है गुडविल, तो गुडविल पहले 50 था, अभी 40 हो गया, ठीक है। एडजस्टेड पीएल में जाएगा 2 नंबर में, करंट असेट्स है, करंट असेट्स में जो आप देख रहे हैं, इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक, ट्रेड रिसेबल मतलब डेटर, कैश एंड बैंक, ये सारे के सारे आपको 1 नंबर में जाएंगे, बट वहीं पर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है जो कि 2 नंबर में जाएगा। अब आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको बता रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर ए पार्ट ऑफ द मशीन कॉस्टिंग, कॉस्टिंग को सर्कल में लो, 7,500 रुपये का एक मशीन है, उसके ऊपर एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन 2,500 हुआ है, तो 7,500 का मशीन है, उसमें 2,500 का ऑलरेडी डिप्रिसिएशन हो चुका है, तो कितना हुआ उसका दाम, 5,000 लिख के बता रहे हैं, 7,500 का मशीन, उसके ऊपर एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन, अभी मशीन का ये WDV हुआ, ठीक है, ये कॉस्ट हुआ, ये WDV हुआ, रिटर्न डाउन वैल्यू, इसको हम लोग कितना में बेच दिए, 3,000 में, तो इससे कोई मतलब है, इससे कोई मतलब है नहीं ना, इसी से मतलब है, 5 का मशीन 3 में सोल्ड किए तो 2,000 रुपया मेरा लॉस हो गया, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट जहां बनाएंगे, एक बनाना पड़ेगा मशीनरी अकाउंट। इनकम टैक्स हम लोगों ने 40,000 पे किया, तो इनकम टैक्स का भी एक लेजर बना के देखना पड़ेगा, और डिप्रिसिएशन मशीन के ऊपर 50,000 दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि वर्किंग कर लेते हैं, और वर्किंग करने के बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल को देखते हैं। चलिए शुरू हो जाइए। तो ये प्योर पास कोर्स का सवाल है, प्योर पास कोर्स में आप देखेंगे ऐसा ही आता है, आप देखिएगा,
क्या चीज का बना रहे हैं हम लोग, बोलिए। बता पहले से कितने का मशीन है, बताएंगे जरा जल्दी से। असेट्स का जब लेजर बनाते हैं तो ओपनिंग को इधर लिखते हैं, कितना है 6 लाख। नीचे में आपको पहला बात बताया है कि 5000 का मशीन कितना में बेचे हैं, 3000 में, ठीक है। तो बाई बैंक अकाउंट अब लॉस कितना हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन उतना नहीं लिख रहे हैं, ठीक है जी। डिप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बोलिए, 50,000। और क्लोजिंग आपको दिया हुआ है, कितना, 8 लाख। टोटल कितना हो गया, यहां पर जो बैलेंस हुआ बैंक अकाउंट परचेज कितना, 50,000। ये बैलेंस हो गया, यहां स्टार बना दे रहे हैं हम, ये बैलेंस है। बट यहां पर एक बात जरूर समझना है, वो क्या है कि देखो यहां पर बोला है कि कॉस्ट 7500 है कॉस्ट, इसके ऊपर एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन 2500 है, ये डिप्रिसिएशन हुआ, ठीक है। तो ये 5000 क्या हो गया, WDV, इसी को हम लोग बेचे हैं कितना में, तो नो डाउट ये 2000 रुपया हमारा लॉस हो गया। बहुत सारे लोग पूछते हैं या बाद में आपको भी दिक्कत होता है, 3, 2, 5, तो वहां पर ये नहीं समझ पाते कि 7.5 लिखा हुआ था, 2500 उसके ऊपर एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन था। तो ये छोटे छोटे बातें जो कि आप कैश फ्लो में भी देख चुके हैं। बट मान लीजिए अगर कोई कैश फ्लो नहीं देख रहा है, फंड फ्लो डायरेक्ट देख रहा है, तो कैसे करेगा। तो यहां पर करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कॉस्ट दिया हुआ है उसके ऊपर 2500 का डिप्रिसिएशन है, मतलब अभी जो उसका दाम है 5000 है, उसको हम लोगों ने 3000 में बेचा, तो 2000 तो लॉस होना ही था। अब इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स के लिए क्या लिखना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर लायबिलिटी है, इसलिए जब भी बनाएंगे तो ओपनिंग को इधर लिखना पड़ेगा, कितना दिया हुआ है, आप लोग सबको जानते हैं यहां पर टू बैंक पेड होता है, क्लोजिंग कितना दिया हुआ है, 1 लाख। Provided during the year. कितना, 1 लाख। देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स का जो हम लोग बना रहे हैं, इधर में ओपनिंग लिखते हैं ये आप सभी को पता है, यहां पर क्लोजिंग लिखते हैं ये आपको पता है, यहां पर हमेशा पेड लिखते हैं तो यहां पर प्रोवाइडेड आ जाता है, कभी प्रोवाइडेड देता है तो पेड आता है, कभी पेड देता है तो प्रोवाइडेड आता है। जिस तरह से आप प्रोविजन फॉर टैक्स बना रहे हैं उसी तरह से प्रपोज डिविडेंड भी बनता है, सेम है, और इसी तरह से हम लोग बनाते हैं। अब हम लोग के पास और कुछ लेजर बनाने का नहीं है वर्किंग में, बट फिर भी एक वर्किंग करना है, और वो क्या है, एडजस्टेड पीएल। आइए एडजस्टेड पीएल करते हैं, इसको जल्दी से कॉपी करो क्योंकि एडजस्टेड पीएल में ये सारे चीजें अभी यूज होगा। ऊपर का आप लिख चुके हैं मशीनरी अकाउंट,
तो अभी हम लोग क्या बनाएंगे बोलिए, आप लोग में से कोई देख के जल्दी बताइए ओपनिंग कितना दिया हुआ है। पहले सम्स की तरफ चलो, सम्स में आप देख रहे हैं, सम्स के अंदर पहले एसेट साइड में देखिए दो चीज है, एक गुडविल है और एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है। तो गुडविल रिटर्न ऑफ हुआ है, कितना गुडविल रिटर्न ऑफ हुआ है? पहले कितना था, अभी कितना हो गया? पहले 50 था, अभी 40 हो गया, तो 10,000 रुपया हम लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर राइट ऑफ किया। अभी इसके पहले एक सवाल बनाए थे, उसमें बढ़ गया था, उधर चला गया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है ना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी रिटर्न ऑफ हुआ है। पहले था 30, अभी 20, तो 10,000। अब लायबिलिटी साइड में देखो, लायबिलिटी साइड में कुछ है, जनरल लेजर पहले कितना था, अभी भी कितना है? तो जनरल लेजर में कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ, बट नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है, प्रोविजन फॉर ये देखिए हम लोग यहां बनाए हैं, और ये 1,10,000 रुपया यहां से हम लोग लेकर जाएंगे। एडजस्टमेंट में आ जाओ, ड्यूरिंग द ईयर ए पार्ट ऑफ द मशीन जो बेचे हैं उसके ऊपर लॉस हुआ था, कितना लॉस हुआ था? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना? वहीं पर आप देखो इनकम टैक्स पेड, वो तो हो गया, डिप्रिसिएशन है मशीन के ऊपर, और कुछ है क्या? अब हम लोग बैलेंस कर देंगे, और कुछ भी नहीं है तो कितना दिया हुआ है? 1,00,000 आप लोग बता रहे हैं और हम लिख रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आप लोग बता रहे हैं, यानी आप लोग बताते जाइएगा, हम लिखते जाएंगे। सिर्फ आप लोग अब नहीं समझा रहे क्योंकि आप तो बहुत समझदार रह चुके हैं, आराम से बना लिए हैं, तो हम सिर्फ यूट्यूब में जो देख रहे हैं उसको समझा रहे हैं। तो देखेंगे इसका टोटल बता दीजिए, 3,00,000। यहां क्या लिखेंगे? ये बैलेंसिंग है, ठीक है ना, 2,00,000। बिटा दें, अब दो चीज बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज, अब लिखेंगे हम लोग, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज लिखेंगे। आप बोलेंगे क्या लिखना बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी नहीं है, लिखेंगे तब भी ठीक और नहीं लिखेंगे तब भी ठीक, क्योंकि हम लोग को यह निकालना है कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ, बट अलग से सवाल देता है यहां पर कितना इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, उसके लिए यह बहुत जरूरी है। वर्किंग खत्म हो गया, अब सम शुरू हो रहे हैं। क्या ईयर एंड दिया हुआ है बोलिए? 31 मार्च 12 इंड वाला। इंक्रीज डिक्रीज अगर आपको करना है, कितना 2 साल दिया है ना, ऐसे तो हम लोग सिर्फ ये 2 खींचते थे काम हो जाता था, बट अभी इंक्रीज और डिक्रीज वाला बात दिमाग में रखना है। बताओ करंट असेट्स में क्या क्या है, जल्दी जल्दी बताएंगे। इन्वेंट्रीज कितना कितना है,
250, 210। इसके बाद बताइए ट्रेड ट्रेड रिसेबल्स कितना कितना है? 300,000 और 200,000। इसके बाद कैश एंड बैंक कितना? 300,000 और ओनली 24,000 ना, टोटल बताओ। यहां ए लिख दिए 800,000 करंट लाइबिलिटीज बोलो। इसमें हम लोग देखेंगे ट्रेड पेबल में तो आप लोग सबको जानते हैं क्रेडिटर और बिल्स पेबल इंक्लूड होता है, तो आप ना एक साथ ही लिखेंगे। अभी ये बोलने का बात ही नहीं है, ये तो पुराना बात होगी आपके लिए कि अभी भी नया है, नहीं है ना? कितना है दोनों जोड़ के बताओ? 70,000 और फिर और क्या है बोलो? प्रोविजन फॉर ये 100,000 और ये 100,000 आ जाएगा। ए माइनस बी कर रहे हैं कितना आएगा बोलिए? 750,000। इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है? हाँ डिक्रीज हुआ दिख रहा है कि पहले 750,000 था। आप लोग सबको ही जानते हैं हम लोग वर्किंग कैपिटल निकाल रहे हैं जिसमें करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी होता है। करंट असेट्स को हम लोगों ने लिख दिया, करंट लाइबिलिटी को हम लोगों ने लिखा और वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी कर रहे हैं जहां पर मेरा एक आ गया 750,000, एक आ गया 380,000। दिख रहा है कि पहले 750,000 था, अभी 380,000 हुआ है तो ये डिक्रीज कर रहे हैं, इसीलिए डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल लिखेंगे पहले। ये करंट ईयर है, जब भी डिफरेंस करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि करंट ईयर को प्रीवियस ईयर से माइनस करते हैं, तो आ गया 300,000 डिक्रीज हुआ है, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। बट अब उस साइड को थोड़ा सा आगे इनलार्ज करना पड़ेगा, अगर अभी आप बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे। ये इंक्रीज डिक्रीज वाला जो बात है एक जगह मैं बना दे रहा हूं, फिर से याद ताजा हो जाएगा। बट आगे हम लोग जल्दी करने के लिए ये दो को बनाएंगे, दो को हम छोड़ देंगे, आप लोग उसको पूरा करेंगे क्योंकि वो कोई खास बात नहीं है। यहां से दिखता है देखो चेंज इन वर्किंग कैपिटल, पहले 2,50,000 था अभी 210,000 हुआ। इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ? डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज में लिख दिए। 300,000 240,000 क्या हुआ है? कितना? 60,000 डिक्रीज में लिख दिए। 300,000 और 24,000 क्या हो रहा है? असेट्स डिक्रीज हो रहे हैं तो डिक्रीज में लिखेंगे कितना? यहां पर देख रहे हैं क्या है बोलिए? कुछ नहीं होगा। और ये क्या हो रहा है बोलिए? डिक्रीज, तो यहां लिखेंगे उल्टा लाइबिलिटी है। ये बात का खाली ध्यान रखेंगे, असेट्स यानी करंट असेट्स अगर डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज में लिखना, इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज में लिखना, लेकिन लायबिलिटी असेट्स का उल्टा होता है, इसलिए आप ध्यान देना। अगर इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज में लिखना, डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज में लिखना। यहां जैसे देखो 30 और 24 डिक्रीज हो रहा है, अगर ये करंट असेट्स होता तो हम लोग कहां लिखते? डिक्रीज में, लेकिन अभी कहां लिखेंगे? चलिए अब फटाफट तैयार कर लीजिए, बढ़े आगे। अब आप फंड्स फ्लो स्टेटमेंट तैयार कर लीजिए, उसको जोड़ लेंगे कि हम पूरा करें।
कितना हो रहा है ये? 376,000। देखिए इधर हो रहा है 6,000 और यहां पर हो रहा है कितना? ठीक है, अभी इधर में आ जाएगा कितना हमको लिखना पड़ा बोलिए। ठीक है, इंक्रीज आ गया तो डिक्रीज हो गया। क्या करना है सो देखिए, ये करने के बाद पूरा जोड़ दीजिएगा, जिधर कम पड़ेगा उधर दे देंगे। आप देखेंगे इंक्रीज में आएगा मतलब डिक्रीज हुआ, डिक्रीज में आएगा तो इंक्रीज हुआ। मेन ये दो जो है इसी को कंप्लीट करना है। अभी क्या हम लोग बनाएंगे बोलिए? सोर्सेस आर मतलब जैसे भी माइनस होगा, और यहां क्या बोलिए? सबसे पहले आप किसका लेजर बनाए थे मेसनरी में? क्या हुआ था? परचेज भी हुआ था और सेल भी हुआ था। कितने का सेल हुआ था और कितने का परचेज हुआ था? दो लाख। इसके बाद किसका बनाए थे? टैक्स का। टैक्स कितना पेड किए थे? चालीस हजार। फिर किसका बना था? वहां पर क्या हुआ था? फंड्स फ्रॉम कितना? फिर क्या बनाए थे आप? वर्किंग कैपिटल। इंक्रीज हुआ था ना डिक्रीज हुआ था? डिक्रीज हुआ था। डिक्रीज होने से रुपया आ गया आपके पास वापिस। तीन लाख। इसके बाद हम लोग सम्स में जाते हैं। सम्स में सबसे पहले आप एसेट साइड में चलो। एसेट साइड में दो एसेट्स है, एक लैंड एंड बिल्डिंग और एक मशीनरी। तो मशीनरी का तो हम लोग बना चुके थे लेकिन लैंड का नहीं बना है। लैंड पहले कितना था? 4,20,000। अभी कितना हुआ है तो क्या हुआ बोलिए? परचेज हुआ। कितने का परचेज हुआ? 2,40,000। कैसे निकाले आप? 6,60,000 अभी क्लोजिंग में है, पहले से कितना था? 4,20,000। तो कितना हो गया? 2,00,000। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं एक करके लाइब्रेरी साइड में। सबसे पहले कैपिटल कितना था? अभी कितना है तो क्या हुआ? 1,00,000 का इशू किए। डिबेंचर कितना है? फिर अभी कितना है? क्या हुआ? 2,00,000 का। कैसे आया 2,00,000 बोलिए? 5,00,000 माइनस और है कुछ, और ये हुआ 11 भी है। क्या टोटल होने से हो जा रहा है बराबर? कितना? 7,00,000। बातों को थोड़ा समझेंगे। फंड्स फ्लो एनालिसिस यानी फंड्स फ्लो स्टेटमेंट में दो चीज बनाते हैं, एक बनता है चेंज इन वर्किंग कैपिटल और दूसरा फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। ये दोनों को सपोर्ट करने के लिए एडजस्टेड पीएल आता है, वही एडजस्टेड पीएल पुराना वाला। एडजस्टेड पीएल को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे लेजर खोलना पड़ेगा जो एडजस्टमेंट में है, वो तो आएगा ही। प्लस सम्स के अंदर अगर गुडविल है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है,
करंट ईयर का जो टैक्स होता है और करंट ईयर का जो डिविडेंड होता है वो सारे हम लोग यहां पर कंसीडर करते हैं। इसके बाद हम लोग चेंज इन वर्किंग कैपिटल करते हैं। वर्किंग कैपिटल के अंदर करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी पूरे आ जाते हैं। कैश एंड बैंक भी यहां पर फंड्स फ्लो में करंट असेट्स का एक पार्ट होगा, लेकिन कैश फ्लो में वो नहीं होता है। याद रखेंगे कैश फ्लो में भी प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी साइड में एंड प्रपोज डिविडेंड नहीं होता था, यहां पर भी वो उसके पार्ट नहीं होते हैं। और फिर आराम से बना देते हैं, इधर में रुपया आया उधर में रुपया गया। ये था 2013। उम्मीद है काफी इजी सवाल आपको समझ में आया होगा, ये आपके यूनिवर्सिटी का 2013 का सम्स था। आइए हम लोग 14 की तरफ चलते हैं।